मैंने एक कढ़ाई ली है, उस कढ़ाई में ये ऑयल डाल दिया है मैंने, सरसों का तेल है ये बड़ा एक स्पून, मैंने इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। ये ऑयल अब गर्म हो चुका है, इसमें अब हम डालते हैं जीरा और इसको क्रैक होने देते हैं और इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कटी हुई प्याज और इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे और इसको भून लेंगे। ज़्यादा हमें इसको भूनना नहीं है, लाइट ब्राउन ही करना है इस प्याज को। ये प्याज अब हल्की सी टेंडर हो चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं भिंडी कटी हुई, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के अंदर और इस भिंडी को भी अच्छे से पकाएंगे। इस भिंडी को हम बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनाने की कोशिश करेंगे, आप देख सकते हो। अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही पकने देंगे। अभी हमने 2 से 3 मिनट खुले में पकाई है, अब हम इस टाइम पर डाल देते हैं नमक। इस टाइम पर हम अगर हम नमक डालेंगे तो भिंडी जो है वो चिपकेगी नहीं और चिपकी चिपकी नहीं बनेगी। आप इस टाइम पर डालें नमक स्वादानुसार अपने, साथ में डालते हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको खोलकर ही पकाएंगे, आप इसको ढकेंगे नहीं, ऐसे ही आपको इसको मीडियम आंच पर पकाना है। अब बीच बीच में चलाते रहें, 5 से 7 मिनट में ये भिंडी बनकर तैयार हो जाएगी क्रिस्पी आपकी। इसमें और कुछ ऐड ऑन नहीं करना है हमें, बस आपको भिंडी को इस तरीके से चारों तरफ फैला देना है और इसको मीडियम आंच पर पकने दें 3 से 4 मिनट इसको। लेकिन बीच बीच में आपको ज़रूर पलटना है, लेयर नीचे की ऊपर करनी है, ऊपर की नीचे करनी है। अब ये देखिए मेरी क्रिस्पी भिंडी, मैंने ये 2-3 बार बीच बीच में चलाई है और फिर उसको फैला कर रख दिया था इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में। और ये भिंडी अब मेरी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी इस तरीके का बनाने का तरीका पसंद आए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और एक बार इस भिंडी को घर पर बनाकर देखें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें। ये देखो मैं दिखाती हूँ, अब मेरा ये भिंडी क्रिस्पी भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार, देखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।